परंतु यहाँ 50-60 साल का रिकॉर्ड होते हुए भी हमको तो ये भी खबर नहीं है कि नोटिस दिए बगैर ये सब कार्रवाई चल रही है। अब इन्होंने अफसरों को दिए होंगे, पर अफसरों ने रतलाम के सैलाना में 1886 से एक जमीन ईसाई समाज के चर्च के नाम पर है। उस जमीन पर बने मकानों पर शुक्रवार दोपहर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए तोड़े मकान हैं। प्रशासन ने दावा किया है कि जिस जमीन पर कार्रवाई की है वो जमीन उनकी है। मिशन कंपाउंड के निवासी जगराम ने बताया कि बिना किसी सूचना के जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जब हम सालों से यहीं पर रह रहे हैं, इससे पहले महिलाओं ने सैलाना बस स्टैंड महाराणा प्रताप चौक पर चक्का जाम कर दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के आख्याने उजाड़े जा रहे हैं? हमको तो ये भी नहीं पता है कि क्यों और कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे 60-60 साल से रह रहे हैं, हमने सर्विस करी, मदर फादर यहीं पे थे सब, उनकी भी डेथ हो गई सर्विस करते करते। और कानून में ये भी कहा जा रहा है कि 15-20 साल जो व्यक्ति जहाँ रह गया है रहवासी, उसको निकाला नहीं जाएगा। परंतु यहाँ 50-60 साल का रिकॉर्ड होते हुए भी हमको तो ये भी खबर नहीं है कि नोटिस दिए बगैर ये सब कार्रवाई चल रही है। अब इन्होंने अफसरों को दिए होंगे, पर अफसरों ने हमें नोटिस नहीं बताया अभी तक। कितने परिवार है आप जैसे? नहीं नहीं करके सर, यहाँ पे 40-50 मकान इधर है, 50-60 उधर मकान है। अब ये हमारी मांग है कि अगर आप हटाते तो कोई बात नहीं, हमें कोई टेंशन, पर इस जगह के बदले जगह देने का जो प्रावधान है वो हमें प्रदान किया जाए। अच्छा ये बताओ कि ये मकान जब तोड़े गए कि उनमें कोई रहते हैं क्या? हाँ, इनमें एक व्यक्ति रहते थे, हाथों हाथ आए, प्रशासन आया और उनका सामान सब बाहर रखा और तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, तो हमको ये डर बैठा हुआ है कि कल हमारे इधर आएंगे और हमें सामान भी बटोरने देंगे कि नहीं, या सूचना कुछ देंगे भी कि नहीं, आपको सूचना भी नहीं देंगे। आपको कोई सूचना कोई आज बोलने आया था? कुछ भी नहीं आया। कल एक गाड़ी घूमी थी, बोले कल मकान तोड़ देंगे, बस इतना बोला गया था। परंतु ये नहीं पता है कि मतलब ऐसे कैसे तोड़ सकते बगैर नोटिस के। जो रह रहा है उसको तो नोटिस दे, उसको सूचना या चिपका लगाओ कलेक्टर की तरफ से, कुछ तो होता है। यहाँ कुछ भी खबर नहीं रहे वैसे को अभी भी। कितने लोग रहते हैं यहाँ? नहीं नहीं करके बहुत अधिक पब्लिक है यहाँ पे। कितने परिवार होंगे? कितने होंगे लगभग? बैठे उधर भी अलग है पब्लिक। क्या नाम है आपका? जगराम। कहाँ रहते हैं आप? यही मिशन हॉस्पिटल में। कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंच गए और एसडीएम से बात की, लेकिन एसडीएम ने दो टूक में कहते हुए कहा अवैध निर्माण है, तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आज हम लोगों को सूचना मिली कि जिला प्रशासन द्वारा मिशन कंपाउंड में इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है और जेसीबी बुलाकर यहाँ पर हटाया जा रहा है कार्रवाई को। इसके सूचना मिलने पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे। चूँकि ये संस्थान करीब करीब 150 वर्ष पुराना संस्थान है और यहाँ पर लीगली सब कागज़ थे और यहाँ के रहवासियों को ना तो किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया, ना यहाँ के जो प्रभारी पात्र वगैरह थे उन लोगों को इस प्रकार की कोई सूचना दी गई। प्रशासन द्वारा बिना सूचना कर यहाँ पर आकर दादा वगैरह पूर्वक जिस प्रकार से ये हटाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में हम लोग कांग्रेस जन यहाँ पर सब उपस्थित हुए। हमने इस बात का विरोध किया है और हमने इस मामले में माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी संज्ञान में लाए, उनकी तरफ से भी निर्देश दिया और उन्होंने भी जिला प्रशासन से बात करी, हम लोगों ने भी कलेक्टर साहब से बात करी और कलेक्टर साहब को अवगत कराया पूरी घटनाक्रम से। क्योंकि चूँकि बहुत पुरानी संस्था है और ये मिशन हॉस्पिटल तो बरसों पुरानी संस्थान बनी हुई है और उनके पास पेपर लीगली डॉक्यूमेंट भी पूरे हैं और कई मामलों में प्रकरण कोर्ट में भी प्रचलित है, उसके बावजूद कलेक्टर साहब ने अभी कार्रवाई यहाँ पर रोकी है। जेसीबी है उन्होंने वापस बुलवाई है और यहाँ के जो प्रभारी और प्रबंधन है उनको प्लस कांग्रेस के सभी नेताओं को वहाँ पर बुलाया है, व्यक्ति का चर्चा डॉक्यूमेंट देख के उसके बाद यहाँ पर प्रशासन कह रहा है जो सर्वे नंबर 87 है वो उनकी जमीन है। मेरा इसमें निवेदन है कि अगर किसी भी जमीन का, मान लो अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि उनका जमीन है, पर किसी व्यक्ति का अगर 150 वर्ष पुराना कब्जा है, आप बिना सूचना दिए, बिना परिवार जो यहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं उनको हटाने के लिए आप बिना सूचना दिए कैसे आ सकते हैं इस प्रकार से? निश्चित तौर पर इस प्रकार की अगर कार्रवाई प्रशासन दमनपूर्वक कार्रवाई करेगी, कांग्रेस सड़क पर उतर कर विरोध करेगी, 100% हम लोग इस बात का विरोध करेंगे। आप अगर लीगली अगर के आपके डॉक्यूमेंट देखिए, कागज़ देखिए, हमने जिला प्रशासन से यह अनुरोध किया था, उनके पास रजिस्ट्री, उनके कागज, आप बैठ कर उनको समय दीजिए और समय प्रस्तुत करने के बाद आप उसमें कार्रवाई कीजिए। रतलाम एसडीएम संजीव पांडे ने कहा कि जिस पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वो सरकारी जमीन है और जो लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं वो प्रशासन की कार्रवाई में बेवजह दखल दे रहे हैं। की कार्रवाई की गई किसके आदेश पर की गई है? कस्बा रतलाम की ये सर्वे नंबर 87 है जो आज भी रिकॉर्ड में सरकारी है। इस जमीन को हम खंडर वगैरह जो थे उनको हमने खाली करवाए हैं और इस जमीन पर हम कब्जा लेने को इसका। तो ये इस पे कुछ मकान भी बने हुए थे? नहीं, हम मकान बने हुए हैं इस जमीन से, सर्वे नंबर 87 में मकान बने हुए हैं
आज हमने जो कार्रवाई की है, अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो अभी तो जो खंडहर छः थे इधर उधर पड़े हुए थे उनको सफाई काम करके हम उसको अपने कब्जे में ले रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बाहर धरने पे भी बैठे हैं, उनका कहना है कि उनके मकान थे उनको तोड़ दिया गया है। किसी के मकान को नहीं तोड़ा गया। ये कार्रवाई कब तक चलेगी सर? नहीं, हमारी जमीन है ये, हम पूरी तरह से कब्जे में कब तक ले लेगा प्रशासन इस जमीन को कब्जे में? इसको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। इसके आरोप है कि उनके बिना नोटिस दिए उनसे खाली करवाया। हमारी जमीन है ये, हमने उनके जमीन को जहाँ पर वो आधिपत्य में, हमने तो उनको भी हाथ भी नहीं लगाया। थैंक यू। इससे पहले मिशन कंपाउंड में प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में महिलाओं और पुरुषों में आक्रोश फैल गया। इस दौरान जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, विरोध में महिलाएं बीच सड़क में बैठ गईं और चक्का जाम कर दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए रतलाम से सबीर खान की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।